स्वागत है आप सभी का द एंगल पर। मैं आपके साथ दिव्या राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। कश्मीर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, पाक से केवल अधिकृत कश्मीर को लेकर होगी वार्ता। अफवाहों के चलते कश्मीर के 5 जिलों में फिर से बंद की गई मोबाइल और इंटरनेट सेवा, इलाके में शांति बनाए रखने के लिए लिया फैसला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ही पार्टी पर साधा निशाना, धारा 370 पर केंद्र सरकार का किया समर्थन, चुनावी वादों की बौछार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की बड़ी घोषणाएं, जघन्य अपराध रोकने के लिए बनेगी अलग से मॉनिटरिंग सेल, भाजपा पर साधा निशाना। पाकिस्तान एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, वो भी ऐसे समय में जब FATF की बैठक को कुछ ही समय हुआ है। अब पाकिस्तान आतंकी संगठनों और अपनी मिट्टी पर पल रहे आतंकियों के खिलाफ झूठे और कमजोर मामले दर्ज कर रहा है। पाकिस्तान के गुमराह करने के सबूत देते हुए सूत्रों ने बताया कि 1 जुलाई को गुजरावाला पुलिस में प्रतिबंधित दावत वल इरशाद के सदस्यों के खिलाफ एक सूत्र द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर भूमि सौदा करने पर मामला दर्ज करवाया गया। बता दें, दावत वल इरशाद लश्कर ए तैयबा का ही एक सहायक संगठन है, जिसका प्रमुख आतंकी हाफिज सईद है। हालांकि कानून की जानकारी रखने वालों का कहना है कि यह FIR कानून के अनुसार सही तरीके से दर्ज नहीं कराई गई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बौखलाए पाकिस्तान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चेतावनी दी है। उन्होंने साफ कहा कि पाकिस्तान से अब जो भी बात होगी वह पाक अधिकृत कश्मीर पर होगी। रक्षा मंत्री ने हरियाणा के कालका में एक जनसभा में यह बात कही। राजनाथ ने कहा कि पुलवामा में हमारे बहादुर सुरक्षा बलों के साथ जो हुआ, उसके बाद 56 इंच के सीने वाले हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आपने देखा कि एयरफोर्स के हमारे जवान बालाकोट में जाकर आतंकियों का सफाया करने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के PM पहले कहते थे कि कुछ नहीं हुआ है, एक आदमी भी नहीं मरा। अभी POK में खड़े होकर कह रहे थे कि भारत बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी बड़ी स्ट्राइक करने के बारे में सोच रहा है। इससे साफ है कि पाक PM ने भी स्वीकार कर लिया है कि बालाकोट में भारत ने एक बड़ी तबाही मचाई थी। जम्मू कश्मीर में फैलाई जा रही अफवाहों को रोकने के लिए एक बार फिर वहां पर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। एक दिन पहले ही इन इलाकों में 2G मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बहाल किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि यह फैसला अफवाहों से बचने और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि संबंधित अधिकारियों ने सभी इंटरनेट सर्विसेज को दोपहर बाद तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। अफवाहों को फैलने से रोकने और शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया। करीब एक पखवाड़े बाद शुक्रवार और शनिवार की रात को जम्मू, सांभा, कठुआ, उधमपुर और रियासी जिलों में कम गति की मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल की गई थी। सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद जिला पुलिस ने पठानकोट में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। बीती रात पठानकोट को सील कर दिया गया। जिले भर में 50 नाके लगाकर वाहनों, होटलों और अन्य स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब को जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाले माधोपुर और कतलौर नाके पर सतर्कता रखी जा रही है। जवानों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। वहीं हलवारा स्थित एयरफोर्स स्टेशन में चल रहे केंद्रीय विद्यालय 1 और 2 में मंगलवार तक छुट्टी कर दी गई है। इस बाबत सभी अभिभावकों को SMS के माध्यम से सूचना दे दी गई है। हरियाणा के CM मनोहर लाल ने अपनी जन आशीर्वाद यात्रा का आगाज पंचकुला के कालका से किया है। 2100 किलोमीटर लंबी इस यात्रा के जरिए वो प्रदेश में पार्टी के पक्ष में हवा बनाएंगे। यात्रा से पहले CM मनोहर लाल ने माता काली मंदिर में पूजा अर्चना की और गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक अरदास भी की। यात्रा को हरी झंडी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिखाई। हरियाणा भाजपा ने सत्ता वापसी के लिए कमर कस ली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार फिर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने निकले हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं। CM इस यात्रा के तहत 5 चरणों में 2100 किलोमीटर का सफर तय करते हुए हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के बीच सरकार की उपलब्धियों को लेकर जाएंगे और लोगों से एक बार फिर उनकी सेवा करने का आशीर्वाद मांगेंगे। 3 दिन के 5 चरणों के बाद रोहतक में 8 सितंबर को यात्रा का समापन विशाल रैली के साथ होगा। हरियाणा के पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस रास्ते से भटक गई है, मेरे लिए देश पहले है। उन्होंने कहा, जब सरकार कुछ अच्छा करती है तो हम उसका समर्थन करते हैं। हमारे साथियों ने अनुच्छेद 370 पर सरकार का विरोध किया। यह वह कांग्रेस नहीं है जो पहले थी। जब बात देशभक्ति और आत्मसम्मान की हो तो मैं कोई समझौता नहीं करूंगा।
इसके साथ ही पूर्व सीएम ने चुनावी वादों की भरमार करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनी तो अलग अलग जातियों के 4 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। वादों की झड़ियां लगाते हुए उन्होंने रोहतक में विशाल रैली को संबोधित किया और कहा कि प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा के लोगों के लिए 75% आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। बुढ़ापा पेंशन 5,000 रुपए महीना किया जाएगा। हरियाणा रोडवेज में महिलाओं का सफर मुफ्त में होगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि यूपी पहले उत्तम प्रदेश था लेकिन अब हत्या प्रदेश बनकर रह गया है। वहीं प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार आखिर कौन सी नीति पर काम कर रही है जिससे प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है। सपा प्रमुख आगे कहते हैं कि आखिर लोगों की नौकरियां क्यों जा रही है, ऑटोमोबाइल सेक्टर का बुरा हाल क्यों है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया था। अब सरकार बताए कि इस समिट में कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला। अखिलेश यादव ने कहा है कि श्रम ब्यूरो के सर्वे के मुताबिक पिछले 6 सालों में 3.7 करोड़ लोग किसानी के काम से अलग हो गए हैं। वहीं बीते 5 साल में करीब 60,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां चली गई हैं। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित है। वर्षा जनित हादसों के कारण राज्य के अलग अलग हिस्से में 8 लोगों की मौत हुई है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के कारण गांवों का संपर्क कट गया है। राज्य के तमाम हिस्सों में हुई लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड के कारण 323 रास्तों और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और राजस्थान के तमाम हिस्सों में भी बाढ़ जैसे हालात के कारण सार्वजनिक संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक वर्षा जनित घटनाओं के कारण हिमाचल प्रदेश में 8 लोगों की मौत हुई है। किन्नौर जिले के रिब्बा इलाके में बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला दिन दहाड़े 2 ताबड़तोड़ हत्याओं से दहल गया। यहां नगर कोतवाली क्षेत्र में मामूली विवाद के बीच एक पत्रकार व उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वही वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया तथा पत्रकार और उसके भाई के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान करने की घोषणा की है। जानकारी के अनुसार जिले के कोतवाली क्षेत्र के गड़ी मलूक निवासी आशीष व उसके भाई का गांव के ही एक व्यक्ति से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आज सुबह दोनों भाइयों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सनसनीखेज घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जो बजट में घोषणाएं की है उसको समय पर पूरा करेंगे। गहलोत ने कहा कि घोषणाओं को गंभीरता से लागू करने के निर्देश भी दे दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी की जयंती पर जयपुर में कई विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राजीव गांधी की जयंती पूरे साल सभी संभागों में मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने IT क्षेत्र में बहुत काम किया है। मोबाइल इंटरनेट राजीव गांधी की ही देन है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि राजस्थान में जघन्य अपराध के लिए अलग से सेल का गठन किया जाएगा। पहलू खान को लेकर पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा। पिछली सरकार ने इस मामले पर लापरवाही बरती थी। पहलू खान हत्याकांड को लेकर ना वीडियो को शामिल किया गया और ना ही कैमरे जब्त किया गया। आज हमने मीटिंग की थी, जो बजट पेश किया था और बजट के बाद में जो घोषणा की थी, उन घोषणाओं का ऊपर मॉनिटरिंग करने के लिए कि टाइम पे घोषणाएं पूरी हो। बजट पेश करना एक बात है और जो वादे किए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना दूसरी बात है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने आज चर्चा करी। फाइनेंस में या CMO जो कोई प्रॉब्लम आती हो तो वो हम लोग दूर कर सकें। दूसरा, जो राजीव गांधी जी का 75th जो उनका जो जन्म दिवस है उसको हम लोगों ने आज के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द एंगल के साथ।